नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें एक आवेदक को यानी उसने आईपीसी की जो धारा है 363, 366, 376 और 506 और साथ ही साथ पास्को एक्ट की धारा 5J/6 के तहत उसको जमानत दे दी गई। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मामला क्या है। जमानत जो थी वो आवेदक द्वारा आईपीसी की जो धारा है 363, 366, 376, 506 और 5J/6 पास्को एक्ट के तहत जमानत देने के लिए दायर किया गया था। जो आरोपी था यानी कि आवेदक ने जमानत की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने अभियोजन पक्ष के जो दावे के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट के समक्ष ये भी बात रखी गई कि इस मामले की जो FIR विपक्षी संख्या ने द्वारा दर्ज की गई थी, जो कि 13/3/2023 को न्यायालय की समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित है। आवेदक के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था उसमें उसने उसकी लगभग 17 साल की बेटी को बहला फुसला लिया है और हालांकि जो पीड़िता के ठीक होने पर CRPC की जो धारा 161 164 के जो तहत जो बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आवेदक के खिलाफ अपहरण या कमीशन के समय कोई भी आरोप नहीं लगाया था, बलात्कार का और इस बात का समर्थन किया गया कि उसने आवेदक के साथ लंबे समय से उसका रिलेशनशिप में चल रहा था, वह अपनी इच्छा और स्वतंत्र इच्छा से उसके साथ गई थी, लेकिन जो 164 के तहत जो दर्ज किया गया था उसमें अपने बयान CRPC में उसने आवेदक के साथ रिश्ते में होने की बात को स्वीकार की थी, लेकिन आगे यह भी कहा गया कि उसकी जो शादी उसके परिवार के सदस्यों ने तय कर दी थी। इससे नाराज होकर आवेदक उसे डराता था और उससे मिलने के लिए दबाव डालता था और जबरदस्ती उसका अपहरण भी कर लेता था और उसके साथ रिलेशनशिप भी किया। उपरोक्त तथ्यों को प्रकाश में डालते हुए जो आवेदक यानी जो एप्लीकेंट की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि जो CRPC 164 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान उसके परिवार के सदस्यों के दबाव में दिया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। साथ ही धारा 161 164 के तहत जो दर्ज किए गए उसके बयान में स्पष्ट विरोधाभास है। साथ ही साथ CRPC इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि वह आवेदक से गर्भवती हो गई थी, क्योंकि आवेदक के साथ उसकी पत्नी के रूप में वह 7 दिनों तक भी रह रही थी। यहां तक कि जो धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने वह आवेदक से गर्भवती हो गई थी। CRPC में उसने यह भी कहा कि उनके बीच में रिलेशनशिप थी, उसकी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से बने थे। पीड़िता का जब मेडिकल रिपोर्ट उसमें यह था कि गर्भावस्था कोई असामान्यता नजर नहीं आई। घटना के समय और तारीख मैंने अभियोक्ता की जो उम्र है उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जो क्लास 5 का जो प्रमाण पत्र के अनुसार 16 वर्ष 7 महीने आ रही है। चूंकि उसके पास पर्याप्त बुद्धि थी इसलिए वह एक सहमति देने वाली पार्टी थी, खासकर उसके परिवार के सदस्य। साथ ही साथ अभियोक्त्री के साथ आवेदक भी अब अपनी शादी को संपन्न करने के लिए भी सहमत हो गए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया, आवेदक इस मामले में मार्च यानी कि 20/3/2023 से जेल में और उसे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है। कोर्ट के समक्ष ये एक इम्पोर्टेंट बात प्रस्तुत की गई। जो अपोजिट पार्टी थी स्टेट की तरफ से यह किया गया कि जो आवेदक की जो जमानत है उसके प्रार्थना का विरोध करता है। आवेदक एक जघन्य अपराध किया है और आवेदक के खिलाफ जो उपलब्ध सामग्री सबूत को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा करने का हकदार नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट बात उनके अपोजिट पार्टी ने कोर्ट के समक्ष रखी। साथ ही साथ कोर्ट ने का क्या व्यू था आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि संबंधित समय पर पीड़िता की जो उम्र उसके यानी क्लास 5 का जो प्रमाण पत्र के अनुसार 16 वर्ष 7 महीने आ रही है। हालांकि किसी ऐसे किसी स्रोत का खुलासा नहीं किया गया जिसके आधार पर अभियोक्त्री का जन्म तिथि स्कूल में पंजीकृत की गई हो। अभियोक्ता की इस शैक्षणिक जो आयु का निर्णायक नहीं माना जा सकता और अभी तक ट्रायल कोर्ट में निर्धारित निर्णय भी नहीं किया जा सकता। मुखबिर जो इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित है, साथ ही उनके वकील ने स्पष्ट रूप में यह भी कहा यदि आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो कोर्ट ने इन सब पॉइंट को देखते हुए ये टिप्पणी की कि इस मामले में
कि आवेदक साथ विवाह और दोनों परिवारों ने अब उनकी शादी को धूमधाम करने से भी निर्णय ले लिया है। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक इस मामले में 20-3-2023 से बिना किसी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री से जेल में है। पर्याप्त शर्त देखकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदक की जो उपस्थिति वो सुनिश्चित की जा सकती है। इन सब बातों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो एप्लीकेंट यानी कि जो आवेदक है उसको रिहा कर दिया, उसको जमानत दे दी। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का जो टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए